नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। विभागीय उदासीनता की कीमत जान देकर चुका रहे हैं मरीज। सीएससी पर दलालों का कब्जा। यूपी के बलिया जिले में स्वास्थ्य विभाग मरीजों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कितना संवेदनशील है, इसका सहज या अनुमान दर्शा स्वास्थ्य केंद्र के वर्तमान स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। लगभग 3 महीनों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते इस महत्वपूर्ण अस्पताल की हालत यह है कि दुर्व्यवस्था से जूझ रहा है। सफाई व्यवस्था तथा आवश्यक दवाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की जाती है। इस अस्पताल परिसर में मरीजों सहित आशा बहुओं के बैठने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। नतीजन मरीज नालियों व जमीन पर बैठने को विवश है। सफाई का आलम यह है कि सफाई कर्मचारी मनमाने ढंग से सफाई करते हैं व गंदगी का अंबार लगा हुआ है। घायल मरीजों को इलाज के बजाय तत्काल रेफर कर दिया जाता है। इस गंभीर समस्या से विभाग अनजान है। वहीं कागजों पर काफी चिकित्सक हैं, महज कुछ चिकित्सकों के भरोसे सैकड़ों मरीजों का इलाज के नाम पर उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विधायक कुमार शंकर सिंह के वर्षों प्रयास से यहां कागजों पर 2 सर्जन व महिला चिकित्सक की नियुक्ति करा दी गई है। हालांकि समाचार ए टू जेड संवाददाता पिंटू सिंह ने ग्राम रिपोर्ट से खबर करने पर महिला चिकित्सक की उपस्थिति रही, मगर सर्जन दिन के उजाले में दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़े। अलबत्ता एक चिकित्सक दलालों के माध्यम से चश्मा बेचते हुए दिखाई पड़ा। पूछे जाने पर डॉक्टर बंगला झांकने लगा। वहीं सर्जन नहीं होने से नतीजा यह हो रहा है कि हादसे में गंभीर लोग इलाज के लिए तो आ रहे हैं, किंतु चिकित्सकों का अभाव के कारण उन्हें मऊ या वाराणसी जाना पड़ रहा है और समय पर सही इलाज न मिल पाने के कारण मरीज रास्ते में ही अपनी जान गंवा रहे हैं। कहीं न कहीं विभाग व शासन की भारी उदासीनता व लापरवाही का हाल बयां करने के लिए काफी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मरीजों को समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। बताते चलें कि यह अस्पताल रसा क्षेत्र सहित गाजीपुर मऊ जनपद के आंशिक क्षेत्रों के अलावा लाखों की आबादी वाले रसा सीएससी विभागीय उदासीनता व राजनीतिक पहल के अभाव में यह अस्पताल आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को विवश है। इस पूरे मामले पर बरसा से अधीक्षक पद पर तैनात वीरेंद्र कुमार को दूरभाष पर संपर्क कर यहां की समस्याओं से अवगत कराया गया, तो जवाब देने की बजाय संवाददाता से कहा गया कि आकर मिलते हैं। वहीं इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया से संपर्क करना चाहा, मगर घंटी बजती रही, जवाब नहीं दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से दूरभाष पर संपर्क किया गया और यहां की समस्याओं से अवगत कराया, तो उन्होंने कहा कि राम राज्य है, केवल जुमलों के सहारे चल रही है सरकार। वहीं इस संबंध में विधायक उमा शंकर सिंह से दूरभाष पर संपर्क कर यहां की समस्याओं से अवगत कराया गया, तो उन्होंने कहा है कि अधीक्षक ने कहा है कि 2 सर्जन व महिला चिकित्सक कागजों में नियुक्त कर दिया गया है। बहरहाल आपके माध्यम से पता चला है, जल्द ही उच्च अधिकारियों से वार्ता करते हैं। समाचार टू जेड के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसा सीएससी पे देख रहे हैं, यहाँ पे काफी अंधेरा है, बिजली भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, यहाँ तक कि बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एक तरफ सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ दूर दूर तक विकास नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे, और महिलाओं का आरोप है यहाँ पे कि कोई पंखा नहीं। सरकार व्यवस्थाएं की बात तो कर रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट से यूपी के बलिया से समाचार के बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। अपना एक नाम बताइए। आज जिस तरीके से मासूम बच्चे गोद में लिए हुए हैं, मुंह पे मास्क भी नहीं लगाई है और बैठने का कोई जगह नहीं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? कोई व्यवस्था नहीं है, बोलिए हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या करें, इसी में बैठेंगे हम लोग। इसीलिए दीवार पे बैठिए, कहीं बच्चा घायल हो जाएगा तब। मुझे टेबल नहीं है बैठने के लिए, पंखा नहीं है बैठने के लिए। तुम बेटा नाम बताओ अपना। जब बेटा ये बाबू को लिए हुए हो और ऐसे में देख रहे हो कि वैश्विक महामारी में 5 लाख से ज्यादा मरीज हो गए हो बेटा, तो ऐसे में फिर कहाँ बैठी हो आप? तो क्या नहीं है तो। क्या कहना चाहोगे उत्तर प्रदेश के सरकार को, क्या बताना चाहोगे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहती हो बेटा? पंखा भी नहीं है यहाँ पे, पंखा तो हम यहाँ पे थोड़ी बैठते, टेबल भी नहीं है, टेबल मतलब तो बैठते कोई नहीं। जमीन पे बैठी हो बेटा, तो क्या कहना चाहोगे? जमीन पे बैठी हो, क्या कहना चाहोगे? साफ सुथरा रहना चाहिए, ऐसे थोड़ी रहना चाहिए। तो किसकी कमी है इसमें? प्रशासन की, हॉस्पिटल प्रशासन की। अपने एक नाम बताइए। पम्मी देवी ये बताइए कि रसा सीएससी यहाँ जो है जनरेटर रूम में जमीन पर बैठी है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? ये कहना चाहेंगे कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है बैठने के लिए। जिस तेज आवाज में थोड़ा अपना नाम बताइएगा। सोनी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप मासूम बिटिया को लिए हुए हैं, वैश्विक महामारी को देखते हुए 5 लाख मरीज हो गए हैं, ऐसे में जो मास्क नहीं लगाई है, यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? काफी पसीने से तरतर हैं माँ जो हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या करेंगे, मास्क लगाने?
पंखा भी तो नहीं है। अच्छा, सरकार को व्यवस्था भी करना चाहिए ना, इतना लोग इतने खड़ा है देर से। कितने कितने देर से बाबू को लेकर बैठ खड़े हैं? तब से हो गया आधा घंटा। आधा घंटा, ठीक। नाम बताइएगा अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या यहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था है? काफ़ी देर से लाइन में खड़े हुए हैं, पसीने से भीगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? तेज आवाज में अपना मत नाम बताइए पहले। अपना नाम बताइए। अच्छा, जिस तरीके से वैश्विक महामारी में देखा जाए तो 5 लाख से ज़्यादा मरीज हो गए हैं देश में। एक नर्स की ड्यूटी लगी है जी। हर इंसान परेशान है, ना पंखा है ना व्यवस्था है, तो बीमारी नहीं फैलेगी? नहीं तो नहीं, तो नहीं। यहाँ देख रहे हैं काफी देर से जो है, घंटों से जो है, यहाँ माँ जो लाइन में खड़ी है यहाँ पे बच्चों को ले लेके, और पंखा भी नहीं है, ऊपर देख रहे हैं पंखा भी नहीं है, नीचे बैठने की जमीन भी नहीं है, और अंधेरा है। तो इस पे सरकार को अपने माध्यम चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? इसमें जनता परेशान हो रही है, काफी देर से परेशान है। जिस तरीके से एक तरफ सरकार जुमला दे रही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो किसी का विकास दिख रहा है क्या? कितने दूर से आई है? 10 किलोमीटर से पैदल चल के आई है। चलिए, तेज आवाज में अपना एक परिचय बता। दीपक कुमार, रसड़ा से ही, रसड़ा में ही घर हुआ। अच्छा दीपक जी ये बताइए कि यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पे देख रहे हैं कि विकास क्या हुआ है, आप खुद बताइए कैसा विकास में कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी वर्तमान स्थिति में अपनी पत्नी को दिखाने आए हैं, लेकिन यहाँ की बहुत स्थिति दयनीय है। ना एक पंखे की व्यवस्था है, ना एक लाइट की व्यवस्था है, और एक छोटे से कमरे में 25 से 30 लोगों को इकट्ठा करके इंजेक्शन लगवाया जा रहा है। ना उन्हें लाइन में लगवाने का कोई व्यवस्था है, ना नीचे बैठने का, कुर्सी तो दूर की बात है, नीचे बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। और गंदगी का आलम यह है कि यहाँ पे थूक से, कचरा से, और विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन लगाकर फेंका गया है नंगी तरह से, जिससे आने वाले समय में किसी के पैर में धंस सकता है और इन्फेक्शन होने की संभावनाएँ हैं। और भी बहुत तरह के हैं, यहाँ पे ना साफ सफाई है, यहाँ पे पूरे पानी का जमाव लगा हुआ है जिसमें मच्छर लगे हुए हैं, और गंदगी का आलम यह है कि बच्चे यहाँ पे मतलब धूप में बैठने के लिए धूप में बैठना पड़ रहा है मजबूरी में। ये स्थिति, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, आपकी क्या डिमांड है और क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तत्काल प्रशासन से बात करके इसे दूर करना चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी की जिसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से निभा नहीं रहा है वो। इसे डीएम साहब से या जो भी इसका दायित्व अधिकारी हो, उस तत्काल संज्ञान में लेकर इसको हल करना चाहेंगे, यही हम कहना चाहेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर नेशा, रशा सी एस सी पे आप हैं? जी जी, जिस तरीके से मैडम आज वैश्विक महामारी में देश में 5 लाख से ज़्यादा संक्रमित मरीज हैं, और ऐसे में देखा जाए तो आपके यहाँ जो है काफ़ी महिलाएं जो आई हुई थी जो बगैर मास्क का, इस पर क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ये देना चाहती हूँ कि सब लोग अपने कलेक्शन के साथ हमारे अच्छे से मास्क का यूज करें, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, जो भी आए यहाँ पे महिलाएं अपने साथ एक मास्क जरूर। चलिए, हेलो, हम विधायक जी नमस्कार, समाचार रेडियो से पिंटू सिंह बलिया से बोल रहे हैं। जी जी पिंटू जी नमस्कार। विधायक जी, जैसे जिस तरीके से रसा सीएससी पे बरसों प्रयास के बाद रसा विधानसभा क्षेत्र में जो है आपके प्रयास से जो है 2 सर्जन और एक महिला डॉक्टर को कागजों पर निश्चित हो गया है, लेकिन धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट से खबर करने पे दोनों अनुपस्थित मिले सर्जन और यहाँ पे अभी ज्वाइन नहीं किए, इसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपके द्वारा मुझे खबर मिल रही है और मैंने इसको नियम में जब हाउस चल रहा था तो नियम में उठाया था, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसका आश्वासन दिया और कहा कि नहीं जरूर ऐसा करेंगे। फिर कुछ ही दिन बाद उनका जवाब भी हमको आ गया कि वहां पर तैनाती कर दी गई है, और फिर इसकी रियलिटी के लिए मैंने वहां के रसना के अधीक्षक से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, बिल्कुल आपके अभी मीटिंग बुलाई गई थी, मीटिंग बुला करके आपको जो नियम में उठाए थे उसके प्रतिवेदन पे विचार हुआ और यहाँ पे तैनाती हो गई है। बहुत बहुत आभार, उन्होंने आभार व्यक्त किया था और कि नहीं बहुत अच्छा रखना के लिए हो गया, लेकिन आज अगर आप कह रहे तो फिर मुझे इसके लिए बात करना पड़ेगा सीएमओ से कि मैंने क्या वजह है, या तो आप ही जानते हैं कि भाई तैनाती हो जाने के बाद हो सकता है डॉक्टर लोग कुछ दिन अपना प्रयास करते हैं कि हम जहाँ पे थे वहीं पर रहें, रुकवाए हैं, या जो कुछ कारण होगा, कुछ ऐसी दिक्कतें होंगी जो मुझे लग रहा है कि या शहर में कहीं, मान लीजिए बलिया शहर में होंगे लोग तो रखना नहीं आना चाहते होंगे,
तो इसकी रियलिटी पता करनी पड़ेगी। और ऐसा होगा अगर मान लीजिए अगर उनका समय अवधि समाप्त हो गया होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान से स्थानांतरण के लिए टाइम दिया जाता है कि इतने दिन के अंदर आप ज्वाइन करें, और अगर वह समय बीत गया होगा ज्वाइन नहीं किए होंगे तो फिर निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराई जाएगी। तो हेल्थ के लिए तो कोई ये नहीं है, लेकिन एक दूसरी चीज ये है कि काफी तमाम डॉक्टरों को इस समय जो डॉक्टर्स हैं उनको कोरोना में इधर उधर शिफ्ट किया जा रहा है कि कहीं अपने जहाँ इससे भी कहीं एमरजेंसी आ जा रही है तो लोग कोरोना में इधर उधर उनकी ड्यूटी लगा दे रहे हैं। तो पता करने का एक विषय है, पता कर लिया जाएगा, लेकिन इस तरीके से नियुक्ति हुई है तो उनको आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जी विधायक जी, एक तरह से देखा जाए तो जो है तीन जनपदों का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में मऊ जनपद के जाते हैं और गाजीपुर के मरीज काफी जगह अपने आते हैं, और ऐसे में यहाँ पे देखा जाए तो गंदगी का अंबार है। और आज तक जो है कई मंत्रियों का दौरा हो चुका है यहाँ पे, स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पे दौरा, कैबिनेट मंत्री का भी दौरा हो चुका था, लेकिन अभी आज तक यहाँ पे बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। हालांकि इस समस्या को जो है ओम प्रकाश जी से हमने दूरभाष से बात किया, उन्होंने कहा कि राम राज है, राम राज में संभव नहीं है, और आप हम समझे कि उन्होंने इस खबर को ज्यादा मत दिखाया, नशा जय मोदी राज में आपको जेल जाएगी, इससे क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, अगर ये है तो इसे देख रहे थे, देखिए अभी तो आपने देखा है रोहतांग में भाई एक अच्छे शहर के ये रसना के लूप में हम लोगों ने बदलने की प्रयास किया है, और आप देख पुलिस बूथ तक भी हमने बनाया, पुलिस चौकी तक भी हमने बनवाया ताकि मैंने हमारे पुलिस के लोगों को दिक्कत ना हो। और लेकिन ये अगर हॉस्पिटल के अंदर की बात आ रही है जिसमें क्योंकि हम रसना वासियों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको मैं खुद दिखवा करके खुद बनवाऊंगा, बैठने उठने की व्यवस्था जो जो मरीज के साथ सीमादार जाते हैं उनके बैठने की व्यवस्था इसको खुद कराया जाएगा, अपने से कराया जाएगा, इसके लिए हम गुजरते आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। नहीं इस तरीके से लखनऊ में जब भी चर्चा होता तो हो गया होता है जी जी, विकास की जब भी एक बार चर्चा होती है लखनऊ में जी जी जी, कि जब चाहे वो सड़कें हो चाहे विकास की जो भी काम करा है अति उत्तम तरह है, अति सराहनीय काम रहा, लेकिन ऐसे में जो है सुहेलदेव भारतीय समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ओम प्रकाश से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार में आप ज्यादा खबर ना दिखाओ और ऐसा में मुकदमा हो जाएगा, इससे क्या कहना चाहिए? क्या पत्रकार को खबरों से आईना नहीं दिखाया जा सकता? नहीं नहीं, देखिए दो चीजें हैं, हर एक आदमी चाहता है, देखिए जो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते, देखिए क्या होता क्या है, हम अगर अपोजिशन में है तो हम सरकार के लिए एक रास्ता दिखाते हैं कि ये आपकी कमी है, और सरकार अगर पॉजिटिव सोच की होती है तो उस हमारे बताएंगे, हम तो उनकी कमी बताएंगे, तो सरकार के लिए बड़ा एक अच्छा मौका होता है कि चलिए हमारी कमी है इसको हम दूर कर लें ताकि हम अगली बार चुनाव में जाएंगे तो इस बात को बताएंगे। हम अगर सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, सरकार के गलत कामों में भी या मान लीजिए जो आम पब्लिक की जो समस्या है उसमें भी हम हाँ में हाँ मिलाएंगे, उस समस्या का सरकार निराकरण नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो संविधान बना है इसमें इस व्यवस्था दी गई कि अपोजिशन रहेगा तो सरकार की ही मदद करेगा, और उसी तरह से पत्रकार भी हैं, पत्रकार का भी एक दायित्व बनता है कि जो रियलिटी है जो ग्राउंड लेवल पे है उस चीज को, पत्रकार का उद्देश्य यही होता है कि यह बात सरकार तक पहुंचे, और जब सरकार उसको संज्ञान लेकर के उससे कार्रवाई करती है तो पत्रकार को भी उससे बड़ा संतुष्टि मिलती है, पत्रकार फिर अगली खबर बनाता है कि देखिए मेरे खबर का परिणाम ये हुआ कि ये काम मैंने ये आम जनता का काम हो गया। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह से कुछ लोग होंगे दो चार लोग अगर सोचते होंगे तो गलत है, ऐसा नहीं। चलिए विधायक जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू पंडित जी। हेलो, हाँ बलिया से समाचार एडियो से पिंटू सिंह बोल रहे हैं सर, समाचार एडियो में आपका स्वागत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं ना? जी बोल रहा हूँ जी। सर दो मिनट आपका समय लेना चाहेंगे सर, रसा सीएससी पे ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे सर। पिछले दिनों जो है विधायक के प्रयास से जो है वहाँ पे दो सर्जन और एक महिला चिकित्सक ऊपर दर्ज हो गए खाल के ऊपर, लेकिन आज धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट से खबर किया गया तो वहाँ पे दोनों सर्जन अनुपस्थित मिले, और इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनिया से जो उन्होंने बात किया फोन नहीं उठाया, और यहाँ पे जो सीएससी जो अधीक्षक है काफी दिनों से यहाँ पे तैनात है, गंदगी के बारे में उनको ध्यान आकर्षित कराए और उसके बाद यहाँ की समस्याओं के बारे में कराए, अपनी सरकार में रहते हुए आप यहाँ पे दौरा भी किए थे और मरीजों को बैठने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थे, सर इसमें क्या करना चाहेंगे? देखिए राम राज है ये जी, देश की जनता और प्रदेश की जनता राम राज कायम किया है जी। राम के राज में आपने देखा होगा कि लाखों बानर मरे लंका में जी, पर जीवनी बूटी सिर्फ आई तो लक्ष्मण के लिए, तमाम लोग घायल हुए, तमाम लोग उसमें मूर्छित हुए, लेकिन सिर्फ संजीवनी बूटी आई तो लक्ष्मण के लिए, शेष लोगों के लिए नहीं आई जी। लाखों बानर मर गए और भगवान राम जी को विजय दिला दिया बानरों ने, और वो पुष्पक विमान पर बैठे सीधे अयोध्या चले आए,
बानर आज तक मतलब त्रेता गीता द्वापर गीता कलयुग द्वितीय तीन युग अंतिम चरण में कति युग है, अभी तक एक भी बानर को आवास नहीं मिला। तो इस राम राज में दवाई की उम्मीद मत करिए, इस राम राज में डॉक्टर की उम्मीद मत करिए, इस राम राज में आप उम्मीद करिए कि अब सावन आ रहा है, सावन यात्रा में बड़ी तेजी से सरकार के पास प्रश्न आ जाएगा और सरकार मंदिर की तरफ उसका ध्यान है, मंदिर बनेगा तो गरीब कमजोर लोग अशिक्षित रहेंगे और अगर विद्यालय बनेगा, अगर उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी, शिक्षा मिलेगी तो वो विकास के रास्ते पे जाएंगे। तो वो विकास नहीं, जैसे मोदी जी ने कह दिया कि आत्मनिर्भर बनो, अब ये सोने की चिड़िया नहीं बना, विश्व गुरु नहीं बना, अब आत्मनिर्भर बनो आप। सरकार में कोई उम्मीद मत रखिए। जिस तरीके से देखिए वैश्विक महामारी में देखिए तीन महीने से पिछले तीन महीने से देखा जाए तो 5 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज हो गए हैं और ऐसे में लोग सबका साथ सबका विकास लोग को ढोल अभी भी जिस तरीके से दावे किया जा रहा है और इस तरीके से रस्ता में जिस तरीके से आपका भी सरकार में रहते कैबिनेट मंत्री रहते हुए आपने यहाँ दौरा किया था और काफी घोषणाएं की थी कि मरीजों को बैठने के लिए यहाँ पे मिलेगा साधन, लेकिन आज तक आपके भी या दूसरे लोग दरकिनारे करते हैं। हालांकि गरीबों और मजलूमों की लड़ाई अपने हमेशा यहाँ तक विधानसभा में उठाया और गरीबों की लड़ाई की लड़ते ही आपने जो है पार्टी को भी छोड़ दिया, इसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए जब सरकार काम नहीं करना चाहती है, खाली जुमला सुनाना चाहती है, ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है, इस नाते हमने इसका साथ छोड़ दिया और मंत्री पद त्याग दिया। जब किसी काम की नहीं है, खाली सिर्फ इसको हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा दिखाई देता है, पाकिस्तान जब नाम आता तो 56 इंच का टीका बताते हैं, जब चीन हमला करके 20 जवान शहीद करता है तब इसका 26 इंच का हो जाता है सीना। जी तो इनसे उम्मीद मत करिए भैया, ये कुछ नहीं करेंगे, ये देश को बेच रहे हैं। मोदी जी ने भाषण दिया कि देश बिकने नहीं देंगे, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, 23 विभाग बेच दिए और भाषण दे रहे हैं कि देश बिकने नहीं दूंगा। जी इनसे कोई उम्मीद मत रखिए। सर जिस तरीके सरकार में अपना रहे थे ताबड़तोड़ दौड़ा के यहाँ पे इसी सीएससी पे आए थे आप और उस खबर को हमने प्रमुखता से दिया विचार चलाए भी था, आप मेरे चैनल के माध्यम से बताए देते कि यहाँ मरीजों को बैठने के लिए उपचार किया जाएगा, साफ सफाई व्यवस्था हुई, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जो है आज टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है जिससे माताएं जो है अपने बच्चों को घंटों लेकर एरिया में खड़ी थी और सफाई व्यवस्था का दालम ये है कि पूछिए मत समझ लीजिए और ऐसे में जो है आपके आदेशों को भी दरकिनार कर लिया सरकार से। ऐसा है ना कि सरकार के पास पैसा शरीफ पार्टी के विधायक खरीदने के लिए है, अस्पताल में दवाई खरीदने के लिए नहीं है, वो बेड बनाने के लिए नहीं है, वेंटिलेटर के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए 25-25 करोड़ रुपया 50-50 जितने में भी विधायक जीता उतना रुपया देके विधायक खरीदा। अभी आपने देखा राज्यसभा के चुनाव में राजस्थान से हो चाहे गुजरात में विधायकों को जो 25-25 करोड़ रुपया देके विधायक खरीदा, तो उसके लिए इनके पास पैसा है लेकिन स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, दवाई के लिए पैसा इनके पास नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा में तो सरकार काफी पैसा बोल रही है चैनलों के माध्यम से कि हम का पानी के अखबार में अखबार में ना टीवी में खाली नहीं, इनका भाषण टीवी में सुनिए और अखबार में पढ़िए, धरातल पे कुछ नहीं है। अभी आप ही ना पूछ रहे हो हमसे जी जी कि अस्पताल में कुछ नहीं है तो टीबिया में तो है, ले लीजिए। जी 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 जनता से कहिए कि टीबिया में ले लें हिल के नहीं तो ऐसे में सर आप जो विधानसभा में भी कई बार जो है वो रखे हैं आगे भाई, हम खाली कही न सकते हैं कि जबरी राशि लेके उनका हम रुपीवा नहीं है। नहीं नहीं सर आप ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसे में आप जनता की बातों को हमेशा जो है तो जनता की आवाज हम उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, अब जनता चाह रही है तो इस सरकार को जल्दी हटावे। जी जनता अपना हित चाहती है, शिक्षा चाहती है, स्वास्थ्य चाहती है, दवाई चाहती है, रोजगार चाहती है, तो इस सरकार को जल्दी विदा करे, नहीं तो ये तो कल आपने मोदी जी का भाषण सुन ही लिया जी कि हम राशन दे रहे हैं खा के खाली जिंदा रहो और कुछ मत बोलो, चीन चाय चला आओ दिल्ली तक कोई बोलेगा नहीं, रोजगार के संबंध में बात मत करो, स्वास्थ्य की बात मत करो, शिक्षा की बात मत करो, GDP 0.- में चली गई, इस पे बात मत ना करो, खाली राशन ले लो गेहूँ 5 किलो 5 किलो चावल उतने में जो 1 महीना खा के दिया पानी पी के
तो ऐसे में देखूं आपका गृह क्षेत्र भी पड़ा है और चूंकि आप आते रहते हैं हमेशा रहे हैं तो यार थोड़ो देखो इस बात सुनो, ये राम राज्य, राम के राज में क्या करोगे आप बताओ जी। सही बात दिखाओगे तो आपको भी जेल भेज देंगे। हाँ हजारों जो है पत्रकार जेल गए जी। ठीक है जी ठीक। चलिए धन्यवाद बात करने के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप।